नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। यूपी में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। गर्मी से नहीं राहत, दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में भीषण आग से 5 दुकानें राख, 20 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसों की कमी नहीं, चैनल खुद चलाने में सक्षम। SGPC ने ठुकराया CM मान का प्रस्ताव। यूपी के बाराबंकी में मिली बम जैसी संदिग्ध वस्तु, लखनऊ से पहुंचे दस्त ने किया डिफ्यूज। अब इंटरनेशनल न्यूज। शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान की कमान के मजबूत दावेदार, ले सकते हैं इमरान की जगह। इमरान खान को मिल सकती है राहत, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को टालने के लिए PTI ने बनाई रणनीति। डूरंट लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ा राड़, जंग जैसे हालात। हर दिन कोरोना के 15 लाख से ज्यादा केस मिल रहे, यूरोप में नई लहर का खतरा, UN चीफ ने कहा। टोरंटो में भारतीय छात्र की हत्या, विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया शोक। अब उत्तराखंड न्यूज। चंपावत में दुर्घटना, मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु हुए हादसे का शिकार, वाहन की टक्कर से 2 राहगीरों की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट, आज से 4 दिन पहाड़ भी तपेंगे, बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का खतरा बढ़ा, एडवाइजरी जारी। CM पुष्कर सिंह धामी बोले, युवा शक्ति के जरिए हो रहा नए भारत का निर्माण, सतत विकास से ही समस्याओं का होगा निदान। हरिद्वार में परिजनों की डांट से नाराज युवती ने दी जान, बिना बताए शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे परिजनों को पुलिस ने रोका। दिव्यांग पूर्व सैनिकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, राज्यपाल ने दिए निर्देश, राजभवन की ओर से दिए जाएंगे 5,000 रुपये। अब स्पोर्ट्स न्यूज। तेवतिया ने लगातार 2 छक्के जड़कर मैच जिताया, स्टैंड में बैठी पत्नी ने दिया हैरानी भरा रिएक्शन। इस बार नहीं चल रहा है IPL का जादू, फैंस ने दिया BCCI को बड़ा झटका। IPL 2022 सीजन में 8 अप्रैल तक 16 मैच हो चुके हैं। टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू हुआ था, इसके पहले हफ्ते में ही TV रेटिंग में 33% की गिरावट देखी गई है। FIH वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम का धमाल, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब एंटरटेनमेंट न्यूज। ग्लैमरस रोल्स के बाद अब वर्दी में नजर आएंगी हिना खान, दिखेगा एकदम नया अवतार। नीतू कपूर ने कहा, शर्मा जी नमकीन की तरह जिंदगी की सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रही हूं। अब वायरल न्यूज। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू पर बनाया भगवान श्री राम की तस्वीर, वायरल हुई फोटो। पापा ने नए ट्रक खरीदे, शगुन में बेटी के पैर की छाप लगाई, सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला ये वीडियो हो रहा वायरल।